वेलकम बैक ऑन सुपर माय चैनल गाइस। सो आज जो है मैं आपके आगे एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बहुत पूछा कि आप यूरोप के ऊपर जो है वीडियोस बनाते हो, कुछ कनाडा के ऊपर भी बनाओ। तो कनाडा के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ गाइस कि स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस जो है, स्टूडेंट स्टडी वीज़ा प्रोसेस जो होता है उसके ऊपर मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गाइस जो है आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आप जीआईसी का क्या मसला है, जीआईसी आप कैसे, आपको जीआईसी के ऊपर इंडिया बैंक से लोन मिलता है या नहीं मिलता है, आपका जो आप फीस पे करते हो ऑफर लेटर के बाद कितना टाइम लगता है, कैसे ऑफर लेटर मिलती है आपको, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या सिस्टम है, आप मेडिकल जो है वो कहाँ करवा सकते हो, मेडिकल करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, किस किस प्रोसेस लॉ के अंडर जो है आप को अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा जल्दी आएगा, किसके ऊपर आप जो है अप्लाई करोगे तो वीज़ा आपका लेट आएगा, तो कितना टाइम लगेगा वीज़ा आने में, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स वीज़ा के, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो है मैं आज आपको सारी वीडियो ये बताऊंगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गाइस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आप मेरी वीडियो नहीं छोड़ो, आप जिसकी भी वीडियो देखते हो कनाडा के ऊपर, किसी के भी ऊपर, आप उसको पूरी देखा करो, क्योंकि आपको फिर गाइस जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सकेगी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करते हैं छोटी छोटी थिंग्स की, जो कनाडा के लिए अप्लाई वीजा करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होता है। और पहले तो गाइस आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद गाइस जो होता है एक आयल्स का टेस्ट होता है, आपको आयल्स के टेस्ट में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। एवरी मॉड्यूल में गाइस आपके 6 बैंड्स आने चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है आप कनाडा के लिए एलिजिबल हो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद गाइस जब आपके पास जो सर्टिफिकेट आ जाता है आयल्स का, जब आपके पास आयल्स का सर्टिफिकेट आ जाता है हाथ में, उसके बाद जो है गाइस आप यूनिवर्सिटीज में सर्च करना शुरू कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो 5-6 यूनिवर्सिटीज में। आप यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है एप्लीकेशन फीस कनाडा में, वो गाइस $100 से लेकर $200 तक होती है, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटीज जो है गाइस वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं, जो कॉलेजेस हैं वो जो है वो चीपर पड़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी में गाइस एंड कॉलेजेस में जो फीस रहती है एप्लीकेशन, वो तकरीबन सेम रहती है। तो गाइस कनाडा में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां की आप विदाउट एप्लीकेशन फी जो है अप्लाई कर सकते हो, फ्री अप्लाई कर सकते हो, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। जैसे आपने गाइस किसी 5-6 कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, आप कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई करेगा ही, और ठीक है ना। तो जब आपको किसी का रिप्लाई आया किसी यूनिवर्सिटी का, आप जैसे आपको उस यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर दे दी, ठीक है, ऑफर लेटर जब वो आपको दे देती है, फिर गाइस आपका अगला प्रोसेस होता है, आपको फीस सबमिट करवानी है। जैसे मैंने आपको बोला है कि यूनिवर्सिटी की जो फीस रहती है वो गाइस अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10-12 लाख इंडियन रुपीस रहती है, ठीक है। तो जो फीस रहती है अपनी कॉलेजेस की, वो गाइस 8-9 लाख तक जो है वो पर ईयर की जो आपकी फीस रहती है, ठीक है। तो गाइस जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, आपको फीस भरनी होती है, आपको टाइम दिया जाता है, उस ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आपको 20-30 डेज में आपको फीस भरनी होती है, जितना भी कितना भी लिखा होता है, किसी का कुछ लिखा होता है, किसी का कुछ टाइम लिखा होता है कि इतना टाइम में आपको फीस भरनी है। तो उस टाइम में आपको फीस भरनी पड़ती है गाइस। तो जैसे आप बैंक से ट्रांसफर करते हो, तो गाइस आपके बैंक से ट्रांसफर करने से भी 3 या 4 दिन तो लग जाएंगे। छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी होती है गाइस, यूनिवर्सिटी जो है जब आप अप्लाई करते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो आपको 2 मंथ्स ऑफर लेटर के लिए वेट करना पड़ता है। तो जो गाइस कॉलेज होता है वो ऑफर लेटर थोड़ी फास्ट दे देता है, जो यूनिवर्सिटी होती है वो थोड़ी लेट देती है, उसको सब वेरीफाई करना होता है। और बात मैं गाइस आपको कहूंगा, जब आप कनाडा में आते हो तो गाइस ये मत सोचिए कि हम जो है कनाडा में आ गए हैं तो हम परमानेंट हो जाएंगे, सब बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। सब कंट्रीज में गाइस मेहनत करनी पड़ती है। आपको मेक श्योर कि जब आपने एक साल की फीस दे दी है 8-10 लाख रुपीस, तो आपका मस्ट श्योर कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए नेक्स्ट 2-3 सेमेस्टर की फीस जो है आपके होम कंट्री में आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ताकि अगर, क्योंकि कुछ लोग गाइस वहां जाते हैं, कुछ लोगों को काम नहीं मिलता है, इतनी जल्दी काम नहीं मिलता है गाइस, ढूंढना पड़ता है, तो आपके खर्चे बहुत मुश्किल से निकलते हैं,
ठीक है, अच्छे निकलते हैं खर्चे वहाँ, ऐसा नहीं है मुश्किल से निकलते हैं, बट हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फीस जो है गाइस थोड़ी सी घर से मंगानी पड़ती है, तो मेक श्योर कि 2 सेमेस्टर की फीस तो आपकी घर में अवेलेबल हो। कुछ लोगों के पास फीस नहीं होती है, मैं उनके लिए एक सोल्यूशन दे देता हूँ उनको कैसे लोन अप्लाई करना है, क्योंकि ज्यादातर लोन मिडिल क्लास फैमिली वाले लोन अप्लाई करते हैं। उनको क्या करना पड़ता है गाइस, जैसे आपने एप्लीकेशन फीस भर दी, आपने अप्लाई कर दिया, आपकी जो है ऑफर लेटर आ गई, उसके बाद गाइस आपको क्या करना होता है, आपको बैंक में जाना होता है, आपके बैंक मैनेजर से बात करनी होती है। बैंक मैनेजर से बात करने के बाद गाइस मैं उनको बोलना होता है कि हम जो है लोन अप्लाई करना चाहते हैं। वो गाइस आपकी ऑफर लेटर मांगता है, आपको ऑफर लेटर के बिना लोन नहीं मिलेगा, लोन जो है ग्रांट नहीं होगा। तो उसके बाद गाइस मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूँ कि SBI में रेकमेंड आपको करूंगा कि SBI इंडिया में आप लोन अप्लाई करें। वो गाइस ज्यादा से ज्यादा लोन देती है, 30 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक भी गाइस जो है वो लोन देती है। तो बाकी जो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है और कुछ सरकारी बैंक है, वो गाइस इतना लोन नहीं देती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस आप बैंक मैनेजर के पास जाएं और उससे बात करें, उसको ऑफर लेटर दिखाएं। तो उसके बाद गाइस आप अपने पापा से बात करें, क्योंकि उसके लिए कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आपको, कुछ घर के रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी, या कोई आपके पास जो गोल्ड है, कुछ भी है, जो भी आपके पास कोई सिक्योरिटी है वो बैंक में आपको रखनी पड़ेगी। तो अब हम थोड़ी गाइस बात कर लें GIC का क्या प्रोसेस होता है, GIC का क्या मतलब है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ गाइस, GIC का ये मतलब है कि जैसे आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है कैनेडा में, ऑलराइट, अकाउंट क्योंकि उस कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो बोलते हैं कि आप हमारी कंट्री में आ रहे हो, आपको काम ना मिला 1 साल, तो आप जो है अपना खर्चा कैसे निकालोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यकीन दिलवाना पड़ता है कि हमारे पास 1 साल का खर्चा है, हम स्टूडेंट हैं, उसको बोलते हैं गाइस GIC। ऑलराइट, तो गाइस जो है GIC का लोन जो है आपको नहीं मिलता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बैंक में गए, तो उन्होंने पूछा कि GIC का लोन नहीं मिलता उनकी, उसकी एक्चुअली मिल जाता है, बट कुछ बहुत टर्म्स होती हैं उनकी, बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। तो ये जो है ये ना के बराबर है, GIC का लोन नहीं मिलता है। GIC गाइस आपको $10,000 जो है कैनेडियन डॉलर्स वो आपको दिखानी पड़ती है, तकरीबन 6-6.5 लाख रुपया बनता है। तो ये गाइस आपके पास होना चाहिए। गाइस GIC सबमिट करने के लिए आपको कनाडा में 3 बैंक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास 3 ऑप्शन है, स्कोशिया बैंक, ICICI बैंक, SBI कनाडा बैंक। ठीक है, आप इन बैंक्स में गाइस आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप बैंक में जाओ, मैनेजर को बोलो हम ट्रांसफर करना है कनाडा में मनी, आप खुद भी कर सकते हो। उसका भी प्रोसेस जो है गाइस 3-4-5 दिन तो ट्रांसफरिंग में लग जाएंगे। ठीक है, तो जब गाइस आपके ट्रांसफर वहां हो जाएंगे, आपको ये गाइस फीस जो है ना, जब आपके फीस भरते हो अपने कोर्स की फीस के बाद, गाइस नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका GIC, आपको GIC भरना होता है। ठीक है, जब आप GIC भरते हो, आपको गाइस $10,000 जो है वो GIC भरना होता है, उस अकाउंट में होना होता है। तो आप थोड़े ज्यादा भेजें, क्योंकि गाइस वो $200 जो है अपनी बैंक सर्विस फीस काटते हैं, उनके चार्जेस होते हैं वहां के। ठीक है, उसके बाद गाइस जब आपका वीजा लग जाता है, आप जब जाते हो कनाडा में, तो गाइस पहले मंथ जो है वो आपको 1 साल में वो रिटर्न मिल जाते हैं मनी सब। तो पहले मंथ जो है वो आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर देते हैं, उसके बाद जो है गाइस आपको $670 और $700 जो है एवरी मंथ वो आपको देते हैं। आपकी जो 10,000 अमाउंट है गाइस, वो जो है आपको 1 साल में वो रिटर्न कर देते हैं, फिर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। और हाँ गाइस, जब आप GIC अपनी अप्लाई करते हो, GIC अप्लाई जब वहां सबमिट हो जाती है, तो गाइस वहां से एक आपको रिसिप्ट आती है, वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी पड़ती है। ये जो मैं बता रहा हूँ गाइस आपको, सब पहले डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि किस में वीजा अप्लाई करना है, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस, मेडिकल की बात करने जा रहा हूँ। अब मेडिकल जो है वो मेडिकल भी होता है कनाडा जाने के लिए, तो मेडिकल जो है कहाँ कैसे करवाना चाहिए, क्या क्या चीजें वहां आपको नहीं पहन के जानी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां। तो ठीक है, पहले आप फीस भरेंगे, फिर आपकी GIC जाएगी। जब आप GIC भरोगे, तो आप GIC भरते भरते गाइस उसी टाइम में आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले लो। आप मेडिकल आपका अपॉइंटमेंट लोगे, तो सारे काम सिस्टम से होते हैं गाइस, ऑलराइट, सिस्टम से सारे काम करो। तो उसके बाद मेडिकल के लिए आप जाओगे, मेडिकल के लिए गाइस आपको आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस आपको ऑफर लेटर चाहिए, जो आपके कॉलेज से ऑफर लेटर आई है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको टाइम से पहले पहुंचना है, जैसे आपका 3 o'clock है आफ्टरनून, तो आपको गाइस 2 o'clock वहां पहले पहुंचना है। तो नर्वस बिल्कुल नो नर्वस, आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो गए तो गाइस आपका मेडिकल जो है वो बिगड़ जाएगा।
तो आपको गाइस प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो गाइस जो है वहाँ सब कुछ उतार के देखते हैं, बस जो है चड्डी नहीं उतारते हैं, बाकी सब कुछ उतार के देखते हैं कि आपका कहाँ फ्रैक्चर फ्रुक्चर तो नहीं है, कोई आपका कट कुट तो नहीं लगा, सब वो जो है गाइस वहाँ देखते हैं। तो आप गाइस प्लीज़ वहाँ जो है आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, आप शॉर्ट्स में जाइए कोई बात नहीं है, जैसे कोई पजामा पहन जाइए, शॉर्ट्स में जाइए बढ़िया, मतलब अच्छा खुले डुले होकर जाइए, कोई चिंता नहीं है, ताकि आपको क्योंकि वहाँ लेटना भी पड़ता है, टांगे इधर उधर भी करनी पड़ती है, हाथ हिलाने पड़ते हैं, तो आप जो टाइट कोई कपड़ा पहनोगे तो आपको मुश्किल आएगी। तो इन सब चीजों के बाद गाइस जो है वो मैं आपको अब वीजा की तरफ लेके चलता हूँ, आपको वीजा जो है कहाँ अप्लाई करना है। वीजा गाइस जो है टू कैटेगरीज में, 2019 में टू कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड हुआ है, एक एसडीएस हुआ है, एक जो है गाइस जनरल हुआ है। एसडीएस में गाइस जो है आपका वीजा जल्दी आ जाता है, जनरल में जो है गाइस आपको बहुत टाइम लगता है, और एसडीएस में गाइस आपको जो फीस है वो 1 ईयर की भरनी पड़ती है, जो जनरल में है आपको 6 मंथ्स की चल जाती है, ठीक है। तो एसडीएस में जब आप अप्लाई करोगे गाइस, तो आपको जब आपने एसडीएस में अपने अपने सारी फाइल बना के जो वो क्या क्या चाहिए एसडीएस में वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो गाइस आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, आपकी ऑफर लेटर चाहिए, तो थर्ड थिंग है जो गाइस आपका मेडिकल होना चाहिए। जब आप मेडिकल करवाने जाते हो तो गाइस आपको वो मेडिकल इतनी जल्दी वो नहीं देते, तो आपको गाइस वो एक लेटर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर उसको बोलते हैं, वो भी चल जाती है। नेक्स्ट वन गाइस आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर चाहिए, आपके अकेडमिक्स चाहिए, जो आपकी सब आपने लास्ट एजुकेशन क्या की है, सब 12th 10th का सब जो है वो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एंड गाइस आपका आइल्स का जो है वो मस्ट चाहिए। तो नेक्स्ट वन गाइस जो है आपकी फीस पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए। एंड नेक्स्ट वन आपका जीआईसी का सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपने जीआईसी उस कनाडा के बैंक में सबमिट की है, उसका एक सर्टिफिकेट होगा या रिसिप्ट होगी या लेटर होगी, जो भी होगा कि एक्सेप्टेंस जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है वहाँ, तो उसकी जो है एक पेपर चाहिए होता है। एंड उसके बाद जो है गाइस आपकी आईटीआर होनी चाहिए, आईटीआर आपकी 7 to 10 lakh होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि 7 to 10, 11, 12 जितनी भी ज़्यादा हो उतनी गाइस आपका वीज़ा आने में मदद करेंगी, आपका वीज़ा जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल में भी गाइस ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बस जनरल में फीस जो है वो 6 मंथ की भरी जाती है, तो वीज़ा प्रोसेस जो है आपका बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट है, अगर आपका स्टडी में गैप होता है, अगर आपने 12th की है 2012 में, आप अप्लाई कर रहे हो 2014 में और 15 में, तो आपको एसओपी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो जो है आपका सारा गैप जो है कवर कर देता है। नेक्स्ट वन गाइस आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म होता है, दो तरह के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म है IM 1294E एंड नेक्स्ट वन है IM 5645E। तो ये जो फॉर्म होते हैं गाइस आपको कैनेडियन वेबसाइट में मिल जाते हैं। तो इसमें है गाइस आपको सभी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है एंड अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। आपकी इन्फॉर्मेशन गाइस आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी फीस कितनी है, आपका जीएसटी कितना गया है, आप कौन सी फ्लाइट में जा रहे हो, क्या क्या जो सब होता है, आपने कितनी जीएसटी जमा करवाई है, सब कुछ आपके रिलेटिव जो है गाइस आपको जमा करवाना पड़ता है। और आपके फादर क्या करते हैं, जो फैमिली इन्फॉर्मेशन में सेक्शन है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, हाउस वाइफ क्या क्या क्या, सब कुछ जो है गाइस आपको इस फॉर्म में भरना होता है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या सिस्टम है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गाइस, आपको प्रीवियस अपने सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, जो भी आपने किया है, जो आपने जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका सब कुछ जो है, आपने स्टडी की है, सब सर्टिफिकेट जो है आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे। नेक्स्ट वन है गाइस जो फोटोग्राफ चाहिए होती है, आपकी डिजिटल फोटोग्राफ जो आपको उसमें लगानी होती है, उसमें गाइस आपका कुछ होता है, कितने बाय कितने चाहिए वो आपको फॉर्म में देख पता चल जाएगा, आप देख लो। तो ये सब फाइल जो है गाइस आपको बना कर ये आपको गाइस जो है VFS में जमा करवानी पड़ती है, जो दिल्ली में है VFS, तब आप जमा करवाते हो गाइस। तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू होती है, सब कुछ आपका इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको पता ही होगा, आपके एजेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। तो उसके बाद गाइस जो है आपका वो आपको बोलते हैं 45 वर्किंग डेज जो है वीजा के लिए लगते हैं, बट ज्यादा लग जाते हैं, 60 डेज, मोर देन 60 डेज भी लग जाते हैं। तो नेक्स्ट वन बात है जो मैं गाइस आपको इंपॉर्टेंट बात जो है बताना चाहता हूँ, आप भी खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप एजेंट के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हो, बट आप जब एजेंट के द्वारा अप्लाई करेंगे तो गाइस आप जेन में रखिए, आप अपने माइंड में रखिए कि गाइस वो आपको कहाँ भेज रहे हैं, ये आप देखिए वो आपको कहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि एजेंट क्या करते हैं गाइस, वो कंट्री साइड कहीं में यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में भेज देते हैं जहां उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। वहां कोई शॉपिंग मॉल नहीं होता, कोई स्टोर नहीं होता, कोई कार वॉशिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो गाइस उनको प्रॉब्लम आती है, काम उनको नहीं मिलता है, फिर वो जो है मूव होते हैं, अपना कॉलेज चेंज करते हैं, पैसे दुगने लगते हैं उनके, तो गाइस फिर उनको जो है बहुत मुश्किल आती है। तो प्लीज आप उनसे अप्लाई करें जिसको एजेंट आपका, अगर कोई नॉन है एजेंट, अगर आपको जानता है या उसकी सिटी में काफी वेल जो है वो एजुकेटेड
कंसल्टेंसी है। तो बढ़िया गाइस, एजेंट से आप अप्लाई करो, क्योंकि आप गलत एजेंट से अप्लाई करोगे तो आपकी रिजेक्शन भी आ सकती है। तो बाद में गाइस जो है आप अप्लाई करते हो किसी दूसरी भी कंट्री में भी, तो वो कतराती है वीजा देने में आपका, कनाडा में क्यों रिजेक्शन लगी। तो ये सब होता है गाइस आपका सिस्टम। तो ये सब था गाइस आपका कनाडा का वीजा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। आप खुद अप्लाई करके देखो, आपके पास सब कुछ है, आप अप्लाई करो, कोई चक्कर नहीं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। जो गाइस अगर किसी की क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो पुट द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर किसी को हेल्प चाहिए, किसी ने बात करनी है मेरे से गाइस, मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस, मैं आपको वहां आपका अपना व्हाट्सअप का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, बात कर सकते हैं गाइस। तो बात करने के कोई पैसे नहीं है, सब कुछ फ्री है, तो आप बात कर सकते हैं। आप जिसकी कोई क्वेरीज है, अगर मैं फ्री होता हूं तो मैं आपको जरूर गाइस रिप्लाई करता हूं। जो जिनको मैं करता हूं वो वीडियो देख रहे होंगे मेरे सब्सक्राइबर, तो उनको पता होगा कि मैं हाँ एक्चुअली मैं रिप्लाई करता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स हैं गाइस वो देखते तक नहीं है, बट मैं देख के लाइक भी करता हूँ और आंसर भी देता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। छोटी सी बात और एक मैं गाइस आपको बोल देता हूँ, अगर किसी ने फ्लाइट्स की टिकट बुक करवानी है, अगर किसी ने ट्रेन्स की टिकट बुक करवानी है गाइस, आप बाहर पता कराओ जो भी होता है, ऑलराइट। तो उससे गाइस जो है थोड़े चीपर रेट में हम आपको टिकट करके देंगे। हमारा टिकट का बिजनेस भी है गाइस, हम टिकट भी करवाते हैं। तो आप जो है गाइस नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है आपके, इस पे आप कॉल करिए, ठीक है। तो आपको गाइस जो जितना हो सकता है चीपर से चीपर रेट में आपको जो है वो टिकट करवा के दी जाएगी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।